लोक शांति और क्षेत्र में शांति बने रहे, कानून व्यवस्था बना रहे, इसके लिए नए साल के उपलक्ष्य में 2024 का वो बहुत शांतिपूर्वक रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। सबकी मंगलमय कामना करने के साथ में ये आयोजन किया गया। जिस प्रकार जीने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और कोई गड़बड़ कांड ना हो, इसलिए सुंदरकांड परम आवश्यक है। अपराध मुक्त हो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ये आयोजन कराया। नव वर्ष पर अपने थाना क्षेत्र और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कामना को लेकर के सुपेला थाना में आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया और इस आयोजन में पूरे जिले भर के पुलिस अधिकारी पहुंचे और उन्होंने सुंदरकांड का पाठ भी किया। कुल मिलाकर जो एक संकट मोचन माना जाता है हनुमान जी को, और आप देखे होंगे अनुमान हर थानों में हनुमान जी का मंदिर छोटा भी हो पर होता जरूर है, तो सुपेला थाना के हनुमान मंदिर में आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया था और सभी थाना प्रभारी पहुंचे, यहां पे सभी अधिकारी पहुंचे और सब ने अपने अपने थाना क्षेत्र की और जिले में जो अधिकारी हैं उन सब ने कामना की कि जो नव वर्ष है सबके लिए शांतिमय हो और खुशियों भरा हो, अपराध में कमी हो और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। थाने में आयोजन लोक शांति और क्षेत्र में शांति बने रहे, कानून व्यवस्था बना रहे, इसके लिए नए साल के उपलक्ष्य में आज 2 तारीख को थाना सुपेला की तरफ से एक सुंदरकांड का आयोजन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और आसपास के लोगों के साथ में हमारा जो थाना स्टाफ है पूरा उपस्थित रहा है। इसे हम ये कामना करते हैं कि आसपास में क्षेत्र में साल भर जो आने वाला वर्ष है 2024 का, वो बहुत शांतिपूर्वक रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। सबकी मंगलमय कामना करने के साथ में ये आयोजन किया गया। संकट हरने वाले श्री हनुमान जी का सुंदरकांड अपने आप में संकट मोचन के रूप में काम करता है। आज सुंदरकांड का पाठ हुआ, पंडित जी थाना क्षेत्र में सुंदरकांड हुआ है, जो कामना की जाती है कि हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी, लोक कल्याण के लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, तो क्या संदेश है सुंदरकांड हमारे जीवन में कितना एक प्रेरणा देता है? जिस प्रकार जीने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और कोई गड़बड़ कांड ना हो, इसलिए सुंदरकांड परम आवश्यक है। दूसरी बात, थाना पे जितने भी आते हैं अधिकांशतः अपराधी ही आते हैं। अपराध मुक्त हो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ये आयोजन कराया कि सुंदरकांड करा करके हनुमान जी उनकी मति को पवित्र करें, वो जीवन में नेक कार्य करें, सुधर जाए और वो भी जीवन के आनंद का लाभ उठा सके। सुंदरकांड के जरिए लोक कल्याण की कामना के साथ में पुलिस परिवार ने आज यहाँ पर ये आयोजन किया और इसमें न केवल थाना जो परिवार है वो भी शामिल हुए, बाकी अधिकारी भी शामिल हुए, उन्होंने सुंदरकांड का भी पाठ किया, जिसे जितना समय मिला वो यहाँ पर आकर उपस्थित हुआ और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई ताकि उनके थाना क्षेत्र में भी सारी सुख शांति बनी रहे। तो कुल मिलाकर ये नया वर्ष है हम सब के लिए शुभकारी हो और सबके बीच में खुशियाँ बढ़ती रहे, अपराध कम हो और शहर में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, यही कामना के साथ में मैं कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।